दोस्तों जैसा कि हमेशा से मैं आपको बताता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से, डोंट बी क्वालिफाइड बी एजुकेटेड, मतलब आप बहुत सारी डिग्रियां लेकर कुछ कर नहीं पाओगे। बहुत सारी डिग्रियां आपके पास हो पर एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो किसी काम की वो डिग्रियां आपकी नहीं है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, टीचर्स जो होते हैं वो आधार होते हैं एजुकेशन सिस्टम का, और साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान जितने भी होते हैं वो सभी सहायक होते हैं किसी भी एजुकेशन को प्रदान करने में, उस टीचर को टीचर बनाने में। अब दोस्तों जितने भी संस्थान है एजुकेशन से रिलेटेड, उन सभी को खास करके जब आप टीचर बनना चाहते हैं, दोस्तों आप कोर्स करते हैं डीएड बीएड एमएड करना चाहते हैं या फिर बीपीएड करते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन करते हैं, इन सभी कोर्सेज को कराने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको आसानी से मिल जाएंगी। बट इन सभी को एफिलिएट करता कौन है, इनको मान्यता देता कौन है और इनको मान्य संस्थान का दर्जा देता कौन है, वो है एनसीटीई। एनसीटीई ही चलाता है, रेगुलेट करता है जितने भी ये कोर्सेज चलाए जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। एनसीटीई जो 1993 में बना और 1995 में सुचारू रूप से इसने काम करना शुरू कर दिया। आज अपने इस वीडियो में हम एनसीटीई के बारे में ही बात करेंगे, एनसीटी कब बना, किस तरह से एफिलिएट करता है कॉलेजेस को, कौन कौन से कॉलेजेस किस तरह से अप्रूवल लेते हैं, साथ में कहाँ है इसका हेड ऑफिस, कहाँ है इसकी जो रीजनल सेंटर्स बने हैं वो कहाँ पर है, कितनी सीट्स की मान्यता मिलती है एक बार में किसी भी कॉलेज को, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और आपको बताऊंगा कि अगर किसी कॉलेज की आप कंप्लेंट करना चाहते हो तो कैसे आप कंप्लेंट करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए एनसीटीई के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। आप में से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे व्यूअर्स लगातार हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन्होंने बहुत कुछ जाना होगा अलग अलग कोर्सेज यूनिवर्सिटीज के बारे में, और साथ में जो काउंसिल्स पर हम वीडियो बनाते हैं उनके बारे में बहुत कुछ आपने जाना होगा। आज हम बात करेंगे एनसीटीई के बारे में। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई 1993 का ये एक्ट है, साथ में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जिसको हिंदी में बोलते हैं एनसीटीई। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इसके अंडर आते हैं, कोर्सेज जैसे कि सबसे पहले बीएड, क्योंकि बीएड के बारे में ही आप बहुत सारे सवाल हमसे पूछते हैं। डीएलएड आता है, डीएड आता है, बीएलएड आता है, एमएड आता है, बीपीएड, और साथ में ही एमपीएड भी आता है। बीएड स्पेशल एजुकेशन भी ले लीजिए आप इसमें, या फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज है जिसको करने के बाद आप टीचर बनने वाले हैं, वो सभी कोर्सेज एनसीटी के अंडर आते हैं। दोस्तों एनसीटी का काम क्या होता है, एनसीटी का काम होता है टीचर्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, साथ में ही कॉलेजेस की गुणवत्ता को चेक करना। क्योंकि हमारे देश में जितने भी काउंसिल्स बनी है अलग अलग, उन अलग अलग काउंसिल का अलग अलग कोर्सेज को देखना ही काम होता है। जिस तरह से एनसीटी का काम है एजुकेशन से रिलेटेड जो टीचर बनने वाले हैं, जो टीचिंग कोर्सेज होते हैं, उन सभी को ध्यान से देखना। दोस्तों वैसे तो जो एनसीटी है, एनसीटी 1973 को ही बन गई थी, बट उस वक्त इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। मैं आपको बता दूं, जब तक किसी चीज को, किसी भी काउंसिल को या किसी भी एक्ट को या किसी भी रूल को संवैधानिक दर्जा जब तक नहीं मिलता है, तब तक वो एक्टिव नहीं होता, फोर्स में नहीं आ पाता। अब जब ये एक्ट आया 1993 में, पर तब भी ये एक्टिवेट नहीं हुआ, 1995 में जाकर सुचारू रूप से इसने काम करना शुरू कर दिया। अब बात करें इसका हेड ऑफिस कहाँ है। दोस्तों जो एनसीटी का हेड ऑफिस है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो हेड ऑफिस है, वो है G7 सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली। दिल्ली में ऑफिस है इसका, जो हेड ऑफिस है, साथ में ही 4 रीजनल सेंटर भी है। कहाँ कहाँ पर है ये, भोपाल, बेंगलोर, जयपुर और साथ में ही भुवनेश्वर, यहाँ 4 इसके रीजनल सेंटर भी है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ डिटेल मिल जाएगी, और अगर आप इन स्टेट से हैं तो वहां जाकर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर कोई भी किसी भी तरह के सवाल है आपके दिल में, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे, हम इंतजार रहेगा आपके सवाल का। और किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर क्या वीडियो चाहते हैं, किस काउंसिल पर वीडियो चाहते हैं, आप हमें बताएं, हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह के अपडेट से अपडेट रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ।